धरती पर जब अत्याचार थे बढ़े, देवताओं से दैत बार बार थे लड़े। धसने लगी थी धरती जब पापों की बोझ से, सरस्वती माँ काली लक्ष्मी पड़ गई सोच में। तीनों ने अपनी तेज से शक्ति की उत्पन्न, वो शक्ति दिव्य ज्योति थी ये जानते भगवन। उस ज्योति से एक दिव्य कन्या सामने आई, हाथ में त्रिशूल सवारी सिंह की संग लाई। तीनों महाशक्तियों को फिर शीश झुकाया था, कैसे मुझको याद किया है ये फरमाया था। कृपा कर बतलाओ मेरे लायक क्या है काम, पैदा किया है आपने अब आप पूज धाम। तीनों देवी कहे धर्म की रक्षा चाहते हैं, तीनों देवी कहे धर्म की रक्षा चाहते हैं, तीनों देवी कहे धर्म की रक्षा चाहते हैं, तीनों देवी कहे धर्म की रक्षा चाहते हैं। धरती पर कुछ दैत्य दिन दिन पाप बढ़ाते हैं, धरती पर कुछ दैत्य दिन दिन पाप बढ़ाते हैं, धरती पर कुछ दैत्य दिन दिन पाप बढ़ाते हैं। सागर के घर में पैदा हो जाओ, श्री हरि विष्णु का अंश वहाँ पे कहलाओ। काम तुमको करने हैं बस धर्म भलाई के, असुर भय हैं भूखे पल पल पाप बढ़ाई के। इतना सुन वो कन्या बोली, लो मैं जाती हूँ, शिरोधारी आज्ञा को भी मैं शीश झुकाती हूँ। देव कन्या रत्ना करके बेटी हुई पैदा, सूर्य सा मुखमंडल उसकी अद्भुत थी आभा। रत्ना करने नाम उसका रखा त्रिकुटा, शक्तियाँ थी देव उसमें हर कोई जानता। बीता बचपन अब वो थोड़ी हो गई बड़ी, सागर तट पे तप करने को घर से चल पड़ी। रंग गेरुआ वस्त्र उसके मन को भाते हैं, रंग गेरुआ वस्त्र उसके मन को भाते हैं, रंग गेरुआ वस्त्र उसके मन को भाते हैं, रंग गेरुआ वस्त्र उसके मन को भाते हैं। थोड़े दिन के बाद राम जी वहाँ पे आते हैं, कारण मैं आपको पाऊं। तप का फल ये दे दो रघुवर ऐसा मैं चाहूं। सीता है मेरी पत्नी देव कन्या जान लो, भेष बदल के आऊंगा अगर तुम पहचान लो। ग्रहण करूंगा तुमको अगर तुम मुझको पहचाना, अब तो युद्ध की खातिर मुझको लंका है जाना। लौट के जब आई राम साधु के वेश में, पहचान सकी ना त्रिकुटा उनको देख करके। राम बोले कलयुग मेरा कल की हो अवतार, तुम बनोगी सहचरी जानेगा सब संसार। सर्व जगत में वैष्णो देवी तुम कहलाओगे, पापियों का नाश करके धर्म बढ़ाओगे। रक्षक हनुमान को हम अभी बनाते हैं, रक्षक हनुमान को हम अभी बनाते हैं, रक्षक हम हनुमान को अभी बनाते हैं, रक्षक हनुमान को हम अभी बनाते हैं। लीला अपनी आरंभ कर दो हम ये चाहते हैं, लीला अपनी आरंभ कर दो हम ये चाहते हैं, लीला अपनी आरंभ कर दो हम ये चाहते हैं। हंसाली गांव में श्रीधर एक माँ का पुजारी, संतान नहीं थी घर में ये चिंता थी भारी। नौकन
कन्या का पूजन करनी घर में बुलवाया। औघर्ण पंथी भैरव को ये रास नहीं आया। भैरव नाथ तो केवल अपनी पूजा चाहता था। माँ का नाम सुन के उसको गुस्सा आता था। अपना शीश भैरव ने फिर पास बुलवाया। श्रीधर के भोजन में उसने जहर मिलवाया। भोजन करते सब कन्या बेहोश हो गई। श्रीधर की बदनामी तो भैरव ने फिर कर दी। मैया की पूजा करने को ढोंग रचाता है। कन्या घर बुलवा के धी को धोखा करता है। श्रीधर माँ की मूर्ति आगे गिड़ गिड़ाते हैं। श्रीधर माँ की मूर्ति आगे गिड़ गिड़ाते हैं। श्रीधर माँ की मूर्ति के आगे गिड़ गिड़ाते हैं। श्रीधर माँ की मूर्ति आगे गिड़ गिड़ाते हैं। श्रीधर है निर्दोष हनुमत माँ को बताते हैं। श्रीधर है निर्दोष हनुमत माँ को बताते हैं। श्रीधर है निर्दोष हनुमत माँ को बताते हैं। वैष्णो ने कहा है चंडी मनसा जाओ। भगत मेरे का पूजन जरा पूरा करवाओ। नौ देवियां कन्या रूप में बोली हम आई। पूजन पूरा कर ले तेरा चिंता क्यों छाई। जय माता दी श्रीधर चिल्लाया। कल ही करो भंडारा देवी माँ ने फरमाया। भैरों को भी कहना जाके तुमको है आना। स्वयं रहूंगी हाजिर श्रीधर तुम ना घबराना। आस पास के गांव वाले सबको लाना है। बच्चे बड़े औरतों को जरूर आना है। इतना कह के देवियां तो हो गई अंतर ध्यान। कैसे हो भंडारा घर में श्रीधर था परेशान। सबको ये संदेशा देने घर घर जाते हैं। सबको ये संदेशा देने घर घर जाते हैं। सबको ये संदेशा देने संग आया। बोला मुझको भोजन इंद्र करा नहीं पाया। तेरी क्या औकात तू क्या जाने रे नादान। मुझको दिया बुलावा ये है तेरा अभिमान। श्रीधर बोला ये तो देव कन्या का आदेश। भैरव बोला कौन है वो कैसा उसका वेश। मैया बोली मैं यहाँ हूँ बोलो भैरवनाथ। भैरव ने उपहास की ना कहकर ओछी बात। बोला मैं तो मांसाहारी भोजन ही खाऊं। इच्छा पूर्ति करूं नहीं तो वापस मैं जाऊं। देवी बोली खा लो भैरव जो है बनवाया। ऐसा सुनकर भैरव नाथ को गुस्सा था आया। हाथ पकड़नी मैया का वो लपका बेईमान। हाथ पकड़नी हो गई वहां से अंतर ध्यान। हाथ छुड़ा के मैया हो गई वहां से अंतर ध्यान। हाथ छुड़ा के मैया हो गई वहां से अंतर ध्यान। लगा देखने इधर उधर मां नजर नहीं आई। योग विद्या से देखा तो भागा बलदाई। पवन रूप हो माता रानी गई थी पर्वत ओर।
पीछे पीछे जाता भैरो खूब लगाए जोर। मैया के प्रहरी संग संग चले रहे हनुमान। रस्ती में जब प्यास लगी तो ठहरे एक स्थान। बाण मार के माने प्रगट कर दी जलधारा। उसी जगह को बाण गंगा कहता जग सारा। देवी माने एक शिला पे कीन्हा था विश्राम। चरण पादुका उसी जगह का पड़ा हुआ है नाम। गर्भ जून की गुफा में मैया करने लगी निवास। हनुमान एक पेड़ पे बैठे नजर गड़ाए खास। मैया बिन उधर वो श्रीधर आंसू बहाते हैं। पर्वत करे व्यर्थ प्रयास। इतना जाने भैरो मैया यही कहीं आई। कोशिश करने पर भी देवी दीना दिखलाई। बाहर गुफा के बैठा साधु उसने समझाया। जिसको कन्या समझे वो है देवी महामाया। तेरा हित है इसमें भैरो वापिस लौट जा। काहे अपने हाथों अपनी मौत रहा बुलवा। समझ गया था भैरो देवी इसके अंदर है। पत्थर की है गुफा या कोई देवी मंदिर है। हनुमान ने पूछ बढ़ाकर भैरो को पकड़ा। दे घुमा के मारा कहीं पर दूर जा पटका। अपने मुँह से भैरो गंदे बोल सुनाते हैं। घबराया भैरो जैसे कोई हो कायर। इतनी मेला गुरिया ने किया गदा से प्रहार। देवी माँ ने रोक दिया था ठहरो पहरेदार। विधना ने लिखी है इसकी मौत मेरे हाथ। इसको तो मैं मारूं हनुमत त्रिशूल के साथ। क्रोध ज्वाला बरस रही थी माँ ने वार किया। शीश उड़ाया धड़ से भैरो पल में मार दिया। साक्षात माँ दुर्गा चंडी रूप बनाए थी। बांध सब्र का टूटा पहले प्रेम जताए थी। माता माता कह के भैरो माफी चाहते हैं। माता माता कह के भैरो माफी चाहते हैं। माता माता कह के भैरो क्षमा चाहते हैं। दिल तो कोमल होता सभी बताते हैं। माँ का दिल तो कोमल होता सभी बताते हैं। माँ का दिल तो कोमल होता सभी बताते हैं। माफी दे दो माता मुझको क्षमा मांगता हूँ। मुझे जमाना पापी बोले मैं ना चाहता हूँ। माता नहीं कुमाता होती पोत कपूत है।
मानता हूँ मैंने ओछी की करतूत है, ममता मई है देवी माता सुन लो मेरी पुकार, चरणों में मैं पड़ा हूँ मेरी विनती बारंबार, नालायक हूँ पापी हूँ मैं दुराचारी हूँ, अब तो मुझको बख्शो देवी बना पुजारी हूँ, द्रवित होकर मैया बोली जा तुझे माफ किया, शीश तेरा है काटा तुमने ऐसा पाप किया, पाप नष्ट हुए तेरे सारे मोक्ष मिल जाएगा, मेरे बाद हो तेरी पूजा सब जग चाहेगा, वैष्णो देवी की कृपा से दुख टल जाते हैं, वैष्णो देवी की कृपा से दुख टल जाते हैं, वैष्णो देवी की कृपा से दुख टल जाते हैं, वैष्णो देवी की कृपा से दुख टल जाते हैं, भैरों का भी मंदिर वहीं पे लोग बनाते हैं, जाती वो भागो वाला है, श्रीधर जैसे भक्त जन्म का पार लगाया है, कमल सिंह का सोया भाग्य आप जगाया है, माँ के दर से कोई बंदा आता ना खाली, सरस्वती और लक्ष्मी माँ पिंडी रूप काली, लंब चढ़ाई चढ़ने वाले माँ के लाल हैं, माँ की कृपा पाने वाले बड़े निहाल हैं, ध्वजा नारियल लाल चुनरिया जिसने चढ़ाई है,